तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले की। लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले मतलब कि वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से। तो हमारे ऐप पे मोबाइल ऐप जो है बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी के क्वेश्चन है जो कि आपकी ही क्लास से रिलेटेड था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इनके पास एक डेटा है जिसमें इतने सारे कंट्रीज हैं, यहां पर उनको कंट्री का कोड चाहिए, दूसरे सीट पे इन्होंने कंट्री कोड लिख रखा है। अब यहां से कंट्री कोड उनको उठाना है, जैसे कि यूएस यहाँ पे, तो यूएस अगर यूएस आया, यूनाइटेड स्टेट आया तो यूएस आ जाए, और ग्रेट ब्रिटेन में जीबी है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस का एफ आर, एंड कनाडा का सी एन। उनके पास एक डेटा है जिसमें उन्होंने रख रखा है कि स्टेट्स सॉरी कंट्री एंड कंट्री कोड। अभी कंट्री कोड जो है, एक कंट्री कोड इस सीट पे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आप एक कर सकते हैं कि वी लुकअप के जगह पे आप यहाँ पे इफ कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हो, बट इफ कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि नाम एग्जैक्ट होने चाहिए, और अगर चलो चार पांच डे में तो इफ लगा लेंगे, लेकिन जहां पे 30-40 हुआ वहां पे दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको लुकअप कर लेंगे, हम लगाएंगे वी लुकअप। VLOOKUP पे हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, इस छोटे डेटा को सिलेक्ट किया, और ये दूसरे नंबर कॉलम पे है, दो पहला कॉलम में डेटा, दूसरे पे आपका लुकअप है, और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो कर दिया। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हमें थोड़ा सा इसको फ्रीज करना पड़ेगा और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इससे क्या हुआ कि कल के रेट में मैं यहाँ पे नया कंट्री या कंट्री कोड डालूंगा और डेटा में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम इसी डेटा को रेफरेंस में ले रहे हैं, ठीक है सर। अब मान लीजिए यहाँ पे आईडी कर देते हैं, मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 1000 डेटा है, और हमें इस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर आईडी का डिटेल चाहिए। तो अभी जो VLOOKUP एग्जांपल दिया, हम उसी VLOOKUP को समझते हैं कि आखिर VLOOKUP क्या होता है। अब आपके सामने दिख रहा है डेटा, मुझे सिर्फ एक आईडी मुहैया कराया गया है, मुझे इस आईडी से इसमें से डेटा उठाना है। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में अपना अकाउंट नंबर सिर्फ देते हैं, और बंदा जो है आपके अकाउंट नंबर के बिहाफ से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जस्ट अकाउंट नंबर से। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, अपना एम्प्लॉई आईडी देते हैं, और एम्प्लॉई आईडी के बेसिस पे आपका पूरा डेटा निकल जाता है। इसको कहते हैं लुकअप मेथड, मतलब कि एक यूनिक आईडी के बिहाफ पर से पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकालना, दैट इज द VLOOKUP या फिर लुकअप मेथड। अब VLOOKUP क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्टिकल लुकअप इसको होता है, एज लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। तो चलिए हम पहले VLOOKUP के बारे में जानते हैं। अब आप मान लीजिए कि हम VLOOKUP इस्तेमाल ना करें तो क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे हमें कंट्रोल एफ करके ढूंढना पड़ेगा कि आपको यहां से कॉपी कर दिया आपने डेटा में गए, कंट्रोल एफ ढूंढा या कॉलम एक पर्टिकुलर कॉलम में मैच किया, देन इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके यहां पे लाके पेस्ट करोगे।
अब यहां एक आध डेटा है तो चलो चलेगा, लेकिन डेटा अगर एक आध 100 हुआ, ज्यादा हुआ, तो एक एक कर कॉपी पेस्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो यहां पे भी लुकअप लगाएगा। लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया टेबल को। अब यहां पे बारी आती है डेटा सेलेक्ट करने की। अब देखिए ढूंढ क्या रहे, हम ढूंढ रहे हैं आईडी से, तो डेटाबेस में सबसे पहला कॉलम आपका आईडी ही होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला कॉलम आपका आईडी ही होना चाहिए, क्योंकि वो पहले कॉलम को ही सर्च करेगा, बाकी डेटा को सिलेक्ट कर। स्पेस रूल कहता है कि एक सेल में किसी एक सेल का ही डेटा शो होगा, किसी एक सेल में किसी एक सेल का ही डेटा शो होगा। तो यहां आपको बताना पड़ेगा किस कॉलम का डेटा, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो वन एंड टू, यहां पे कॉमा टू करेंगे, फिर यहां पे एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच टू एंड फोर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक्सेल में जीरो होता है फॉल्स एंड वन होता है ट्रू, तो यहां पे फॉल्स करना है तो आप फॉल्स लिखे या जीरो लिखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंटर मारिए, ये आ गया। वैसे ही हर कॉलम के लिए इसका इस्तेमाल करना हुआ फिर भी लुका, हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा। अब इस बार क्या है, वन टू थ्री, तीसरा नंबर कॉलम कॉमा जीरो। ऐसे यहां पे वी लुक का हमने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा में गए, और इस बार जो है मुझे क्या करना है, वन टू थ्री फोर, फोर को लेना है, इसमें कॉमा छूट गया, माफ कीजिएगा, तो बड़ा कर देता हूं। उसके बाद यहां मैं वापस वी लुकअप, हमने डेटा को लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया हमने, और इस बार मुझे फाइव नंबर चाहिए कॉमा फाइव कॉमा जीरो। ऐसे वी लुकअप, तो हर लुकअप के लिए, हर कॉलम के लिए आपको इंडिविजुअली वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो ये आपका था सिक्स। अब यहां पे आप देख रहे होंगे सर, हर कॉलम के लिए मैं ए माने कि इंडिविजुअली वी लुकअप लगा रहा हूं। अब चलो यहां पे 5-7 कॉलम है तो हमने यहां पे कर लिया, लेकिन अगर 5-7 100 कॉलम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। ऐसे चल जी, दिक्कत हो जाएगी ना सर। क्या तरीका है कि एक बार में हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि पूरा डेटा सेम है, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज किया गया है। इसमें ऊपर में आप देखिए सब में सेम डेटा है, ऊपर वाले एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे और सारे कॉलम नंबर यहां पे लिख देंगे। कॉलम नंबर किसके बिहाफ से, कॉलम नंबर जो यहां कॉलम नंबर है उसके बिहाफ से हम यहां पे टाइप कर दिया। यहां हम देंगे वी लुकअप, इसको सिलेक्ट कीजिए, डेटा में आइए कॉमा। यहां पे मुझे चाहिए कॉलम नंबर, तो मैनुअल ना लिख के हम यहां अपने सी पे आते हैं और इस टू को सिलेक्ट करके कॉमा जीरो करते हैं। इसको आगे ड्रैग करना है तो अब क्या है कि फ्रीज करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं तो हमें यहां डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और इसके वन पे, ताकि नीचे ड्रैग हो तो 1 2 ना हो, लेकिन बी सी डी ही होना चाहिए। और आगे हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो आपने देखा कि एक बार में पूरा आ गया। मैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि ऊपर कॉलम नंबर देना पड़ा। ऊपर जो हम कॉलम नंबर दे रहे हैं, अब यहां कुछ ऐसा करना है कि हमें कॉलम नंबर ना देना पड़े। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कॉलम का, कॉलम सर, वो एक बार दोबारा बता दीजिए सर, जो आपने अभी किया है सर, क्या, वो बी लुकअप वाला, ऊपर जो आपने कॉलम का लिया है सर। क्या किया, सबसे पहले कॉलम इंसर्ट किया, रो इंसर्ट किया, और जितने भी कॉलम नंबर इस डेटा के बिहाफ पे है उस कॉलम आईडी को हम यहां पे डाल दिए जो डेटा ऊपर दिख रहा है। उसके बाद हमने वी लुकअप लगाया। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, उसके बाद हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ जो 2 2 3 4 जो देते हैं उसको देने के बजाय हमने क्या किया, वापस अपने सीट वन पे आया। अच्छा और यहां हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0। अब मुझे आगे इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने से पहले अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो फिर ड्रैग होने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे हमने डॉलर साइन लगा दिया, यहां भी डॉलर साइन लगा दिया, और यहां देखिए यहां पे आप देखिए 6 को कि हमने ए को फ्रीज किया, ताकि मैं आगे ड्रैग करूं तो ए जो है बी सी ना हो, बी सी डी एफ जी ना हो, लेकिन इसमें हम 1 को फ्रीज करेंगे ताकि जब नीचे ड्रैग करें तो 2 3 5 ना हो, लेकिन लेफ्ट टू राइट ड्रैग करें तो बी सी डी हो जाए, क्योंकि हमारा हर किसी का कॉलम नंबर अलग अलग है। ये हमने फ्रीज करके फिर इसको ड्रैग कर दिया। अच्छा अब हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला कॉलम का। कॉलम फॉर्मूला क्या है कि जिस कॉलम फॉर्मूला लगाते हैं और जिस कॉलम का रेफरेंस देते हैं उसका यहाँ पे नंबर शो कर जाता है। तो ये तो चाहिए, हमने जो ऊपर 2 3 लिखा है कॉलम भी फॉर्मूला भी वही ला रहा है। अगर इसको ड्रैग करें तो देखिए हम वी लुकअप एंड कॉलम का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम इसको सिलेक्ट कर दिया एंड कॉमा 0। ये देखिए हमने कॉलम फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसको आगे ड्रैग करना है तो जाहिर सी बात है हमें फ्रीज करना पड़ेगा। इसका ए फ्रीज कर दिया, इसका फ्रीज किया और हमने एंटर प्रेस किया। कॉलम के अंदर जो B3 है उसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, उसकी तो आगे बढ़ना ही चाहिए। गलत हो गया, ठीक। अब बात आती है कि ये तो सिक्वेंसली होना चाहिए, तभी तो इसका यूज करेंगे कॉलम का। अगर सिक्वेंसली ना हुआ तो, या फिर एक कर लीजिए कि मुझे एक ही बार में सारे पे भूलू कप लगाना है,
तो हम पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे एंड वी लुकअप। इसको सिलेक्ट किया, डेटा में आ गए, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 1, 1:2 ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0। अब यहां पे हम नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, यहां मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि एरे है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने से ऐसे क्या फायदा हुआ कि हम लगाया तो एक ही फॉर्म बना और हम सारे कॉलम नंबर जो है कर्ली ब्रैकेट में दे दिए, जो सीक्वेंस लिया। जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 होना चाहिए, वो आपके कॉलम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पहले 5 फिर 2 भी कर सकते हैं। और फिर कंट्रोल सिर्फ एंटर मारेंगे तो इसमें फ्रीज करने का भी झंझट नहीं होता है। देखिए इसकी एक और खासियत है कि आप किसी को डिलीट होगा तो पूरा होगा, एक नहीं होगा। मैं दोबारा बताता हूं, सबसे पहले हमने इस कॉलम को देखा और आपने इस कॉलम को मैच किया और इसका कॉलम नंबर कहीं पे नोट कर लिया, फिर हमने पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, इक्वल वी लुकअप लगाया, फिर पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया एंड कॉमा 0। और नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, हम मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आगे समझ में? मान लीजिए क्या होता है कि मुझे कुछ कुछ चाहिए होता है डेटा, पूरा डेटा नहीं चाहिए होता। जैसे कि मुझे इसमें से 87 का जेंडर चाहिए, एज चाहिए और कंट्री कोड चाहिए। अब ये चेंज भी होता रहता है कि आज ठीक है इस पे हम वी लुकअप लगा दिए, तीनों पे अलग अलग वी लुकअप लगा दिया हमने, पर कनेक्ट में क्या होगा कि मुझे यहाँ पे इसकी आईडी चाहिए, जेंडर नहीं चाहिए, आईडी चाहिए, तो फिर से वी लुकअप को मुझे चेंज करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप यहां से उठा ले, और कॉलम चेंज होता है, कॉलम का हेडिंग चेंज होता है, तो फॉर्मूला भी अपने आप को चेंज कर ले। तो लास्ट क्लास में हमने आपको फॉर्मूला बताया था मैच का, मैच मैच फॉर्मूला में किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो एंड कॉलम में मैच किया जा सकता है। तो वैल्यू मिलती है तो आपको उसका कॉलम इंडेक्स नंबर या रो इंडेक्स नंबर देता है। जैसे इसने दे दिया 1। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आईडी 2-2 है, तो ये इसमें हमने सप्लायर आईडी एस आईडी कर दिया। और यहां भी देखिए यहाँ पे 8 आ गया, तो इसका 8वां नंबर कॉलम है काउंट, जो वी लुकअप में जनरली डालते हैं। मैच फॉर्मूले को वी लुकअप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू को डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां हम इसको मैच के रिजल्ट को सिलेक्ट करके 1, 0 कर दें। जैसे मैं यहाँ पे एस आई डी की जगह पे मान लीजिए मैं कंट्री को लिखा, कंट्री कंट्री डाल दिया, तो देखिए कंट्री डालते हैं, कंट्री का कॉलम नंबर मैच में दे दिया और फिर वी लुकअप ने कनाडा दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैच फिक्स हो जाए, अलग सेल में ना रहे, तो हमने इस मैच फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहां जहां पे हमारा ये रिजल्ट है उस पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर
हम इसमें इसको फ्रीज कर, इसको ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा ना, फ्रीज कर दिया। और फिर जहां ड्रैग करना है ड्रैग कर दीजिए। तो व्यू कप लगाने का है, मैंने तकरीबन वही आपको जो 9 तरीके बताया। डाउट इसमें सर रकीकांत जी, कोई डाउट इसमें? सर ये मैच वाला और एक बार बता दीजिए सर। देखिए सिंपल सा है, देखिए हम मैच फॉर्मूला जो कि लास्ट क्लास में इस्तेमाल किया हमने, ठीक है ना, वो सिंपल समझ लीजिए ना कि सेल वैल्यू का रो या कॉलम निकाल के देता है। अगर आपने रो बाय सिलेक्ट किया तो रो निकाल के देगा, कॉलम बाय सिलेक्ट किया तो कॉलम निकाल के देगा। अच्छा, उसी चीज को हम यहाँ वी लुकअप में जहां कॉलम नंबर डालते हैं ना उसकी जगह पे मैच का फॉर्मूला ले लेंगे। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए तो समझ में आएगा। हाँ सर, ट्राई कीजिए कल, फिर हम इंडेक्स, मैच, एच लुकअप, वी लुकअप इनके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और कल 26 जनवरी है। हाँ 26 जनवरी है। आप लोग रहेंगे घर पे ही रहेंगे ना, ऑफिस में? हाँ घर पे ही रहेंगे सर।